नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये वीडियो सीपेट, एसएससी, रेलवे, UPSC, मतलब जितने भी एग्ज़ाम में अर्थव्यवस्था का पोर्शन आता है उसमें सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर दो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऑप्शन ए बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, ऑप्शन सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर थ्री, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है ऑप्शन ए विकसित राष्ट्र, ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र, ऑप्शन सी अविकसित राष्ट्र, ऑप्शन डी अर्धविकसित राष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर फोर, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है ऑप्शन ए आयत बंद, ऑप्शन बी नियंत्रित पूंजी, ऑप्शन सी निर्यात बंद, ऑप्शन डी आयात निर्यात बंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? ऑप्शन ए परंपरागत कृषि व्यवस्था, ऑप्शन बी देश की विशाल जनसंख्या, ऑप्शन सी उद्योगों का अल्प विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि परंपरागत कृषि व्यवस्था भी नहीं हो पा रही यहाँ पे, फिर देश की जनसंख्या भी अधिक है और उद्योगों का भी विकास कम है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आर्थिक विकास का तात्पर्य है ऑप्शन ए घरेलू उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन सी समान आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि चाहिए और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता भी चाहिए, तब इन सभी को मिलाकर मानेंगे कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी उत्खनन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, उत्खनन, ये तीनों आते हैं। मतलब मानव ने धरती पर आने के बाद जो सबसे पहली क्रिया करना शुरू किया वही है प्राथमिक क्षेत्र में, वह सब चीज़ें आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर एट,
सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन सी चतुर्थक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है? ऑप्शन ए 1989-90, फिर 1993-94, 1999, 2000, ऑप्शन डी सन 2002 से 2003। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1999 से सन 2000। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय है? ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर निवल विदेशी उत्पाद, ऑप्शन डी उत्पादन लागत पर निवल विदेशी उत्पाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन ए के एन राज, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी आर सी दत्त, ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी अवस्थापना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया विजन 2020 क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर ए पी अब्दुल कलाम की आत्मकथा, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह द्वारा भारत को विकसित देश बनाने की का विवरण पत्र, ऑप्शन सी योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य तैयार किया गया दृष्टि पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य के लिए तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तय करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी राष्ट्रीय
नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी के किस्म पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, ऑप्शन बी चक्री बेरोजगार, ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगार, ऑप्शन डी ऐच्छिक बेरोजगारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? ऑप्शन ए प्रछन्न, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी चक्री, ऑप्शन डी ऐच्छिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रछन्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रछन्न। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए दांडेकर एवं रथ, ऑप्शन बी डीटी लकड़ावाला, ऑप्शन सी बीएम नरसिम्हा मिन्हास बीएम मिन्हास, ऑप्शन डी पीके वर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डीटी लकड़ावाला। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रोजगार उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निर्माण क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? ऑप्शन ए शहरी गरीबी में कमी करना, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति के जीवन स्तर में सुधारना, ऑप्शन सी गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गरीबों में सर्वाधिक गरीबों को मदद करना। क्वेश्चन नंबर 22, कुटीर उद्योग योजना का संबंध है? इसका ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने से, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने में। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व मुद्रा कोष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी महबूब उल हक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महबूब उल हक। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी साक्षरता, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें ये तीनों आते हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।